हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.7, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जो थ्योरम है हमारा 10.7, तो इससे हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन, पहले इस थ्योरम का जो मतलब है वो समझ लो। देखो, तो उसी तरह एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ बोला गया कि इक्वल जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस, यहाँ पर इक्वल कॉर्ड नहीं बोला है। पिछला वाला थ्योरम क्या था, 10.6 इक्वल कॉर्ड्स था। यहाँ पर है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस, मतलब सेंटर है, ठीक है। सेंटर यहाँ पर सेंटर मैंने कर दिया। बोल रहे कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहाँ बोला है कि जो कॉर्ड्स है वो सेंटर पे इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस, कॉर्ड इक्वल के बारे में नहीं बोला है। वो बोल रहे हैं जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाए कर रहे हैं। तो ये मान लो एक कॉर्ड है हमारा पी क्यू और दूसरा जो कॉर्ड है हमारा आर एस, राइट। अभी जो दो कॉर्ड है पी क्यू एंड आर एस, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पर लाए कर रहे हैं। यहाँ ये भी, ये जो कॉर्ड है हमारे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये कॉर्ड, ये सेंटर की जो दूरी है, हम सीधा लाइन से, मैं आपको समझाया था, एक स्ट्रेट लाइन से हम दिखाएंगे उसको। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर सेंटर से एक में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो कि कॉर्ड का और सेंटर का डिस्टेंस को वो दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर आप नेमिंग ले लो, यहाँ पर एल ले लो, यहाँ पर एम ले लो। तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम दिखेंगे कि जो लाइन जो है इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, ये हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे, राइट। अच्छा, तो हमें पता है सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलरली लाई करता है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की जो, यहाँ मतलब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। तो पी एल जो है इसकी जो डिस्टेंस होगी एल क्यू के साथ इक्वल होगा, और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है, इस चीज़ को समझो यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। अब चीज़ों को समझो, हमें प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ व्हाट। हमें प्रूफ ये करना है, हमें तो पहले से पता है, या बस थ्योरम तो ही बोल रहा है कि अगर कॉर्ड्स हैं, देखो इक्वल कॉर्ड्स नहीं बोल रहे, थ्योरम बोल रहे कॉर्ड्स, अगर दो, मतलब कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि यहाँ पर टू कॉर्ड्स है, आप चाहो तो मोर देन टू भी ले सकते हो, बट कॉर्ड्स लिखा है मतलब मोर देन वन तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो कॉर्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन पार्ट में अगर देखा जाए, तो मुझे गिवन पार्ट में यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है कि जो डिस्टेंस हमें पता है, हमें ये पता है कि भाई ओ एल जो है वो ओ एम के साथ क्या है, इक्वल है, हमें ये पता है। ये गिवन अप में आ जाएगा, मतलब गिवन क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में दिया है। हमें ये प्रूफ कर देना है कि भाई कॉर्ड्स इक्वल है, यहाँ बोला है ना कॉर्ड्स अगर इक्वल डिस्टेंस से है, अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ बराबर होगी, इक्वल इन लेंथ। तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि भाई जो कॉर्ड है दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें प्रूफ कर देना है कि पी क्यू बराबर आर एस, ठीक है। अच्छा, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ही ये जाएगा कि हम ओ पी को ज्वाइन करेंगे ऐसे यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर रेड डिस्क हमने ज्वाइन किया सर्कल का, तो यहाँ पर दो आपको ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है। अब जो ट्रायंगल जो आपको जो दो दिख रहा है उसका मैं यहाँ पर नेमिंग लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया, नेमिंग ले लिया, यहाँ पर नेमिंग ले लूँगा यहाँ पर पी एल ओ, और एक ट्रायंगल यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रायंगल आर एम ओ, ठीक है। पी एल ओ मतलब पी एल ओ ये वाला ट्रायंगल, एंड आर एम ओ मतलब ये वाला ट्रायंगल। अभी दो ट्रायंगल में देखो कॉन्ग्रेंट हम इसको प्रूफ करने वाले हैं दो ट्रायंगल को। तो खोजो इसको, तीन चीज़ें क्या होंगी। तो पहले तो आपको यही दिख जाएगा, पहले 90 कर लेते हैं, 90 वाला पोर्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें यहाँ पर 90 मिला। तो 90 डिग्री आप यहाँ पर, मतलब उसको हम मेंशन यहाँ पर कर देंगे, बट चलो इसको हम बाद में करेंगे पहले। अच्छा, पहले साइड में कर ही लेते हैं, 90 लिख ही लेते हैं कि भाई ओ एल पी एंगल बराबर है हमारा ओ एम आर के साथ, जो कि क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90, ये दोनों 90 है। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट आपको पूरा दे दूंगा, बट ये दोनों 90 इसलिए इक्वल है दोनों। फिर हमने देखा भाई जो रेडियस हमारा है ओ पी बराबर है ओ आर के साथ, तो यहाँ पर हमारा ओ पी जो बराबर है ओ आर के साथ इक्वल है, ओ पी बराबर ओ आर, रेडियस हो गया हमारा सर्कल का रेडियस। अच्छा, थर्ड वाला जो चीज़ आएगा यहाँ पर,
अब यहाँ पर ये देखो, ये गिवन पार्ट है, गिवन में क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है ओएल बराबर ओएम, ओएल जो है वो ओएम के इक्वल है, तो ओएल जो है वो ओएम के बराबर है। अच्छा ये गिवन पार्ट में हम ओएल इक्वल टू ओएम क्यों लिख रहे हैं आपको पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला है कि जो जो दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ओएल बराबर ओएम, ठीक है। अच्छा तो जैसे तीन चीज़ें मिल गई तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो ट्राइंगल है हमारा पी एल ओ, अच्छा और यहाँ पर तीन चीज़ें हो चुकी हैं आई थिंक, हमारा 90 हो गया ये, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल जो है पी एल ओ वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके साथ, एक मिनट इसको कॉन्ग्रुएंट ही कर देते हैं, पी एल ओ इसे हमारा कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गया हमारा आर एम ओ, ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा कंडीशन बाय आर एच एस कंडीशन, राइट। अच्छा अब यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर इस चीज़ें ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई पी एल जो बराबर इसके साथ, तो यहाँ पर आर एच एस में क्या होता है, एक तो आपको 90 मिला, एक तो आपको ये इक्वल मिला है और जो मतलब रेडियस का और ये इसकी डिस्टेंस है हमें, तो आर एच एस से तो ये हो गया, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिला, हम ये दिखा देंगे देखो कि हमें तो पहले से ही पता है ये चीज़ें, क्या चीज़ें पता है पहले से चीज़ें समझो, यहाँ पर हम यहाँ पर से ये हम दिखाएंगे कि जो पी एल जो है, समझ रहे हैं चीज़ को, कि पी एल जो है वो इसके बराबर है, यहाँ पर एक ही लाइन दो, क्यों देखो ये यहाँ पर एक ही लाइन दो, बाकी कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, बस इतना आप याद रखो कि इसकी जो मेजरमेंट है इसकी मेजरमेंट सेम हो, क्योंकि दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, अगर यहाँ पर दो अलग भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, मतलब ये वाला साइड इसके साथ इक्वल सीपीसीटी करने वाले हैं अभी, तो पी एल बराबर आर एम हम कर देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये हमारे जिसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए थे ये वाला साइड इसके साथ मैं क्या कर दूंगा इक्वल दिखा दूंगा। अच्छा यहाँ तो चीज़ें समझ में आ रही कि पी एल इक्वल टू आर एम तो हो गया फिर। अच्छा और भी यहाँ पर एक चीज़ जो आप नोटिस करने वाले हैं, जो नोटिस हम कर सकते हैं वो क्या है, हमें तो पी एल इक्वल टू आर एम तो नहीं दिखाना है, हमें दिखाना तो भी कि भाई पी क्यू जो है वो आर एस के साथ इक्वल है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो जो पी एल है ना उसको अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ पी क्यू लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर देखो पी एल को अगर मैं चाहूँ हाफ ऑफ पी क्यू लिख दूंगा, और यहाँ पर जो है समझना इस चीज़ को ध्यान से, पी एल जो है उसको हाफ ऑफ क्या लिख सकता हूँ पी क्यू इक्वल टू आर एम जो है, आर एम जो है वो इसका आधा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, अगर ये इसका ये वाला पार्ट अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये वाला जो पार्ट है मैं बोलूँगा इसका आधा है आर एस का आधा है, तो जो आर एम है वो हाफ ऑफ क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर आर एस लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ पी एल की जगह हाफ ऑफ पी क्यू, आर एम की जगह हाफ ऑफ आर एस, तो इस चीज़ को चाहो तो आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, बस को रिटन में कैसे लिखना है मैं आपको स्टेटमेंट में बता दूंगा, बस अभी इतना जान लो कि पी एल जो हाफ ऑफ पी क्यू, आप डायरेक्टली हाफ ऑफ यहाँ पर आर एस लिख सकते हो, बट डायरेक्टली लिख सकते हो बट यहाँ पर स्टेटमेंट क्यों ऐसे कहाँ से आया, ठीक है उसको चलो यहीं पर दिखाई देता हूँ आपको। देखो हमें पता है कि भाई ओ एल था वो परपेंडिकुलर है, ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी एल जो है वो बराबर है एल क्यू के साथ, पी एल जो है वो एल क्यू के साथ इक्वल है, पी एल जो है एल क्यू के साथ इक्वल है, राइट समझो। तो पी एल जो है मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ पी एल को, मैं हाफ ऑफ क्या लिख सकता हूँ पी क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ से ये मिला, यहाँ से देखो हमें पता है कि भाई ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ आर एस के साथ, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आर एम अकॉर्डिंग टू थियोरम जो होगा आर एम जो है वो इक्वल होगा एम एस के साथ, तो मैं आर एम इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ आर एस लिख सकता हूँ। तो यही जो मैं पी एल की जगह हाफ ऑफ पी क्यू लिख रहा हूँ, आर एम की जगह हाफ ऑफ आर एस लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर पी एल की जगह हाफ ऑफ पी क्यू, आर एम की जगह हाफ ऑफ आर एस, तो ये मुझे चीज़ें यहाँ से मिला। तो इसको अभी इक्वेशन वन ले जाओ, इसको इक्वेशन टू लिख दो, यहाँ पर साइड में लिख देना कि फ्रॉम वन एंड टू से हमें ये चीज़ें मिली। जैसे हाफ ऑफ पी क्यू आपने लिखा, हाफ ऑफ आर एस लिखा, तो ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा आपका, सिर्फ पी क्यू इक्वल टू आर एस यहाँ पर बचा, दैट इज़ द कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू आर एस, तो हमने दिखा दिया दो कॉर्ड्स हमारे यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, ओके। अब यही चीज़ को स्टेटमेंट में हम कैसे अच्छे से लिखें, अगर एग्जाम में एक थ्योरम को प्रूफ आ गया तो हम कैसे इसको सजा के गिवन अच्छे से करके लिखें, तो सारा स्टेटमेंट आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, वही सब सेम थ्योरम है, पहले यहाँ पर आप फिगर बनाओगे, फिर गिवन में लिखोगे सर्कल विद सेंटर ओ इन विच
पी क्यू एंड आर एस आर द इक्वल कॉर्ड्स, मैंने आपको समझाया भी, और ओ एल परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ एम परपेंडिकुलर आर एस, इसको चाहो तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ से काट दो, ये चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यों हमें प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल आर एस, मैंने आपको समझा दिया था कैसे पी क्यू इक्वल आर एस हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो जो चीज़ें मैं यहाँ उधर समझाई थी यहाँ पर लिखा है मैंने OL perpendicular to PQ and OM perpendicular to RS since perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord, मैंने यहाँ पर लिखा स्टेट, ये चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ OL perpendicular to PQ, ये चीज़ें यहाँ पर इक्वल है, तो PL इक्वल टू हाफ ऑफ PQ मैं आपको दिखाया था। फिर OM perpendicular RS के साथ है तो RM इक्वल टू MS, जो भी समझाया था उधर रफ में, तो RM इक्वल टू हाफ ऑफ RS। तो बिट वन बिट टू इसको मैंने दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर वन, बिट वन नहीं इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ट्रायंगल कंसिडर करना स्टार्ट किया है कि ये दो ट्रायंगल जो पी एल ओ आर एम है, जो पी एल ओ और आर एम ओ, जो मैंने को समझा दिया ऑलरेडी, जो यहाँ पर तीन चीज़ें वहाँ पर लिखी थी रफ में, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं या स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो पी एल को आर एम सी पी सी टी हमारा हो गया था, तो अब पी एल की जगह हाफ ऑफ पी क्यू और आर एम की जगह हाफ ऑफ आर है, जो कि यहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने साइड में, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, पी क्यू बराबर आर एस, दैट वी रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट इज पी क्यू इक्वल टू आर एस, तो ये हमारा हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज टेन जो एक्सरसाइज नहीं थियोरम 10.7 यहाँ हमारा ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज 10.4 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।